खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच रुक लेते हैं बड़ी खबर का। डबरा से बड़ी खबर है, मशीनरी स्कूल में मिली आपत्तिजनक सामग्री। तो डबरा का ये पूरा मामला, जहां पर मनीष यहां पर मिशनरी स्कूल का ये पूरा मामला है, आपत्तिजनक सामग्री बाल आयोग को मिली है और आपत्तिजनक सामग्री स्कूल कर रहा है, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ता है। ईसाई धर्म का प्रचार स्कूल के यहाँ पर किया जा रहा है। तो स्कूल में बाल संरक्षण आयोग की दबिश थी, जिस पर इसका बड़ा खुलासा हुआ। स्कूल कर रहे हैं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, तो यहाँ पर बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूल के फादर पर भी दुष्कर्म का आरोप है। हालांकि ये स्कूल जो है लंबे वक्त से सुर्खियों में रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृहनगर की पूरी घटना है, तो ये बड़ी खबर। और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, हालांकि मिशनरी स्कूल जो है इससे पहले भी कई ऐसी बातों को लेकर सुर्खियों में रहा है और इसी बीच एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। स्कूल में बाल संरक्षण आयोग की दबिश थी, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ। सहयोगी गिरिराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गिरिराज, मशीनरी स्कूल जो है अक्सर सुर्खियों में रहती है और एक बार फिर से जो है चर्चाओं में है, इस बार चर्चा का कारण भी बेहद अलग है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, हमेशा से ही स्कूल चर्चाओं में रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर कई तरीके के जो विवाद हैं वो सामने आते रहते हैं। अभी हाल ही में मुरैना में भी एक स्तरीय स्कूल सील हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो डबरा में सेंट पीटर स्कूल को सील किया गया है और जिस स्कूल में आपत्तिजनक सामग्रियां मिली हैं, उस स्कूल में बड़ी बात ये हो जाती है कि ये जो डबरा में सेंट पीटर स्कूल में जो गतिविधियां चल रही थी, वो गतिविधियां प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जो गृह नगर डबरा है वहां पर ये स्कूल संचालित था, उसमें चल रही थी। जो प्रदेश के गृह मंत्री हिंदुत्व की दुआई देते हैं, उन्हीं के गृह नगर में ये जो धर्मांतरण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्रियां मिली हैं, जिसको प्रशासन ने कल 1 बजे से सर्चिंग करी, उसमें कई ऐसी चीजें सामने आई, जिसमें जैसे कि बता दें आपको कि जो वहां पर जो नने थी वो भी बाहरी प्रदेशों से आकर रह रही थी, जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन प्रबंधन के पास नहीं था। जो स्टाफ स्कूल का था उस पर भी, उनके स्टाफ का भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था। यहाँ मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊं कि पूछताछ में जो सामने निकल कर आया कि जो वहां का प्रिंसिपल था उस पर भी बलात्कार का एक मामला दर्ज था, जिससे संबंधित अभी उस मामले में क्या आगे की जो कार्रवाई रही है उससे संबंधित कोई दस्तावेज स्कूल प्रबंधन प्रशासन को नहीं दिखा पाया। गिरिराज, जानकारी ये भी दीजिएगा, तो इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान सामने आ पाया, स्पष्टीकरण कोई? देखिए, स्कूल प्रबंधन की बात करें तो जैसा कि कल रात में ही हमने प्रबंधन से बात करना चाहिए थी, प्रबंधन अपनी जो गलतियां हैं उन्हें मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रशासन ने प्रबंधन पर शिकंजा कसा तो प्रबंधन की जो बातें, जैसा कि मैंने आपको बताऊं कि उनने जो भी बातें की वो उनकी गोलमोल बातें थी। हालांकि अंत में उन्होंने अपनी कुछ खामियों को स्वीकार भी किया है कि हाँ, उनके पास कुछ कमियां थी जिनको लेकर उनके स्कूल पर एक कार्रवाई हुई। बिल्कुल गिरिराज, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर एक्शन क्या लिया जाता है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।